पर आ रही वो आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। एसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और एमएलसी पद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की राहें अब अलग हो गई हैं, समाजवादी पार्टी से जुदा हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कल ये खबर सामने आई थी कि वो 22 फरवरी को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी के कुछ झंडे भी वायरल हुए और आज का ये बड़ा अपडेट, बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और साथ ही साथ एमएलसी पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और अब उनका सियासी सफर समाजवादी पार्टी के साथ समाप्त हो गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी आपके पास? समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से रिश्ता स्वामी प्रसाद मौर्य का खत्म हो गया है। उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ विधान परिषद जो सदस्य थे उससे भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने लिखे पत्र में साफ तौर से कहा है कि साफ तौर से अखिलेश यादव की तरफ से कोई उनको फोन नहीं किया गया, ना ही इस बात पर कोई चर्चा करने की गुंजाइश छोड़ी गई कि आखिर मैंने जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया उसके बाद वो मुझसे बात करते या पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता बात करता। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने लिखे गए पत्र में न सिर्फ समाजवादी पार्टी को कोसा है, बल्कि उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से कहा था कि लाभ लेने के लोग आते हैं फिर यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे में मैं विधान परिषद सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। कुल मिलाकर के अब समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। अभी आगे के विकल्प क्या क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य की, आगे की राह क्या होने वाली है? अलाउद्दीन, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसा कि कल पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वो 22 तारीख को जाएंगे दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में, वहां पर जो नई पार्टी है शोषित वंचित समाज पार्टी उस पर वो काम करेंगे। हालांकि ये उन्होंने साफ नहीं किया कि उसमें कौन सा पद वो लेंगे और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में खुद को कैसे फिट पाएंगे कराएंगे, लेकिन बात साफ है अगर वो पॉलिटिकल किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो उन्हें कहा था कि मैं दलितों शोषितों आदिवासियों की आवाज उठाता रहूंगा। उसके लिए एक सुचारू मंच की जानकारी आपको 22 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में मिल जाएगी। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं वो नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहे हैं या उससे जुड़ रहे हैं या फिर उसमें पदाधिकारी होकर के काम करना शुरू करेंगे, तो यानी कि अपना ओन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो तैयार करेंगे, यानी अब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे। बीजेपी को लेकर जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी को एक बार छोड़ देता है उधर मुड़कर नहीं देखता, मैंने बीएसपी छोड़ी उधर नहीं गया, मैंने BS4 छोड़ा उधर नहीं गया, बीजेपी छोड़ दी तो उधर नहीं गया, सपा छोड़ रहा हूँ सपा में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के विकल्पों में बात करने की कोशिश उनसे की गई तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ जाने से पूरी तरह मना कर दिया, लेकिन जिस तरह से उनके समर्थक उनके लोग तैयारी कर रहे हैं तालकटोरा जाने के लिए, स्टेडियम जाने के लिए, तो उससे लगता है कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी न किसी पद को लेते हुए जो बात वो कहते रहे हैं लगातार हमलावर रहते रहे हैं तमाम मुद्दों पर, उस मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, यानी कि 22 तारीख को उनकी पॉलिटिकल जर्नी से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन आप मान सकते हैं कि ये आधिकारिक पुष्टि केवल नहीं है, बाकी सब बातें समझी हुई हैं कि वो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी या उसमें पदाधिकारी बनकर काम करना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चलते होगी वापसी।